कि जब विपक्षियों में हाहाकार मचे तो समझो कि नेतृत्व और राजा ईमानदार और चरित्रवान है। इनकी एकजुटता देश को एकजुट कर देगा और नरेंद्र मोदी को अपार बहुमत से फिर से विश्व का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपेगा। चाणक्य के उस युक्ति को याद रखिए कि जब विपक्षियों में हाहाकार मचे तो समझो कि नेतृत्व और राजा ईमानदार और चरित्रवान है। आज वह सत्य की ओर दिखाई पड़ रहा है कि विश्व में जहां वहां के विश्व का नेतृत्व इनके चरण को छू रहा है, वहां घर के अंदर भ्रष्टाचारी गलबहियां कर करके भाग रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। इनकी एकजुटता देश को एकजुट कर देगा और नरेंद्र मोदी को अपार बहुमत से फिर से विश्व का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं कौन लोग जुट रहे हैं। बिहार का भ्रष्टाचारी जुट रहा है, दिल्ली का भ्रष्टाचारी जुट रहा है, बंगाल का भ्रष्टाचारी जुट रहा है। जो भी परिवारवाद का पोषक हो, यूपी से लेके महाराष्ट्र तक, अकुत संपत्ति कमाया है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जेल जाने से भयभीत है और वो एकजुट होकर के गलती से गलत जगह चुन लिया। एक और सवाल है। गलती से गलत जगह चुन लिया। ये बिहार की धरती है, लोकतंत्र की भूमि है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। इस धरती पर जिसने आह्वान किया था कि जाति विहीन समाज बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनेगा, अभी भ्रष्टाचारियों की जमात को भ्रष्टाचारियों का चारागाह बनाना चाहते हैं, बिहार की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री विपक्षी एकता की गोलबंदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए कि हरिवंश जी पर भी अब जेडीयू के नेता हमलावर हैं। उसके पहले आरसीपी सिंह बाहर हो गए, उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए, पहले देखा जाए तो रघुनाथ सिंह से लेकर बहुत सारे नेताओं की फहरिस्त है। तो क्या लग रहा है कि कर पाएंगे? ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आता है उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपने को संविधान का ज्ञाता कहने वाले मुख्यमंत्री जी, आप अपमान कर रहे हैं। बार बार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, बार बार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान, ये कहीं से उचित नहीं है। संविधान में इन लोगों को विश्वास नहीं है। ये तो वही लोग हैं जो देश के अंदर आपातकाल लगाने वाले लोग के विरुद्ध में लड़कर आंदोलन करके सत्ता में पहुंचे और फिर जाके उसी के गोद में बैठकर गलबहियां कर लिए। ये विश्वास के योग नहीं है। ये पलटू राम की जमात, अवसरवादिता की राजनीति करने वाले सिद्धांत छोड़कर ये जमात को देश की और बिहार की जनता सबक सिखाएगी। दूसरी तरफ ये सवाल, बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इस बार 9 साल में तो कुछ बिहार को दिया नहीं, कम से कम इस बार आखिरी बार आ रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देके जाएंगे। जो अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, बिहार के अंदर 2 लेन से 4 लेन से 6 लेन से 8 लेन, ओवर ब्रिज से लेके टेक्निकल संस्थान, IIT से IIM से मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, जितनी विकास की काम है बिहार भारत सरकार की पैसे से है। हर घर नल का जल के लिए पैसा भी भारत सरकार का ही, उल्टा पलटी कर करके लूट का अड्डा बना दिए। नली गली से लेके कौशल विकास तक में लूट का अड्डा बना दिए। जल जीवन हरियाली मिशन के नाम पर लूट का अड्डा बना दिए। लेकिन बिहार सरकार को अपनी ताकत से एक विद्यालय सुधारना था, टीचर लाना था, विद्यालय के अंदर कमरे बनाना था, बेंच डेस्क बनाना था, वो भी नहीं कर सका। तुलना कर लो भारत सरकार का और बिहार सरकार का। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति का, जाति का, परिवार का पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व का पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार ही नहीं करता, स्वागत करता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से बेहतर काम करने के योग्य है, यहाँ कोई शक और सुभा नहीं है। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।